हम फिर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और दोस्तों, लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को, वीडियो को, हाँ, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लेकिन प्लीज़ करिए दोस्तों। ये लिनो आइडिया पैड Z580 का मॉडल आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। इसका आज हम कीबोर्ड कैसे निकालते हैं और कैसे लगाते हैं वो आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको अच्छा लगेगा, नॉलेज बढ़ेगी। और कुछ आपको भी कमेंट्स में कुछ और नए वीडियो चाहिए रहेंगे तो ज़रूर डालिएगा। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर मैं बोलता हूँ, चैनल को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब और लाइक और बेल बटन को ज़रूर ज़रूर प्रेस करिए दोस्तों, जिससे हमको भी काफ़ी खुशी होगी। तो दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करते हैं और ये कीबोर्ड कैसे निकाले, कैसे लगाए, लिनोवो आइडिया पैड Z580। ओके, स्टार्ट। तो ये कीबोर्ड है दोस्तों, लैपटॉप के पीछे इसके स्क्रू होते हैं। पहले बैटरी निकाल देते हैं। ये फ्लैप खोलेंगे आप, एक स्क्रू यहाँ पे है, सॉरी, एक स्क्रू यहाँ पे है, ये दिख रहा है, और एक स्क्रू यहाँ पे है। मैंने आपको बताया ना दोस्तों कि वहाँ पे ना कीबोर्ड का सिंबल रहता है, लेकिन ध्यान में रखिए, एक बार वीडियो देख देख के करेंगे। बैटरी के जस्ट एक इधर एक इधर स्क्रू होता है और एक अंदर भी होता है। ये हम फ्लैप खोलेंगे, और इसको आगे की तरफ ढक लेंगे। तो ढक्कन खुल जाए, खींचना मत, आगे की तरफ ढकना, ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये इसको ऐसा ढकना तो फ्लैप खुल जाएगा, ठीक है। एक तो ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को निकाल लें और यहाँ स्क्रू है। मैंने हार्ड डिस्क ऐसे निकाला इसके लिए क्योंकि आपको सब क्लियर दिखे, यहाँ पे स्क्रू है दोस्तों, निकाल दिया। अब ये सारे स्क्रू कीबोर्ड के निकल गए, ठीक है। अभी एकदम सावधानी से ये इधर कॉर्नर पे हमने डाला ट्यूजर, ठीक है, ध्यान से देखिए फिर से, ये सावधानी से मार्क नहीं आना चाहिए, एक तरीका होता है, ठीक है। बस पुश किया, मतलब अंदर से डाला ऐसा और इसको खींच लिया। खींचने के बाद ये अपने हाथ से थोड़ा सा इसको पकड़ लेना है, पकड़ के धीरे 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 उठाना है। उठाने के बाद थोड़ा सा ये करके, यहाँ पर लॉक है देखना, तो ये अलग टाइप का लॉक है, ठीक है। ये लॉक जो है दो इधर दिख रहे लॉक, इसको पीछे की तरफ ढके लिए और ये निकल गया, ये कीबोर्ड आपका निकल गया। अब लगाने का तरीका भी यही है। अब ये अपने कीबोर्ड ऐसा रखा, ठीक है, मैं फिर दिखाता हूँ, ये कीबोर्ड निकल गया दोस्तों, ठीक है। अब लगाने के लिए समझे आपने नया कीबोर्ड लाया, ये ऐसा रखा, ठीक है, ये इसे पकड़ा। अब मैं जूम करता हूँ और इसको इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। तो अभी लगा के ये ट्यूजर लिया और हल्के से एक लॉक इधर से एक लॉक आगे की तरफ ढकेल दीजिए, इधर केबल पकड़ के रखिए। अभी लग गया, अभी कनेक्टर तो लग गया। अभी कीबोर्ड को देखिए, इधर छोटे छोटे लॉक है, इसको ऐसा ऊपर की तरफ डालिए, परफेक्ट फिटिंग की बात करें, इसको ऐसे डालिए और इसको दबा दीजिए। दबा के वापस से उसको पीछे जाके उसके स्क्रू फिर से लगा देंगे, ठीक है। एक स्क्रू यहाँ था बराबर, एक स्क्रू यहाँ था और एक स्क्रू कहाँ था बताइए बताइए बताइए, आपने वीडियो देखा ना, एक स्क्रू यहाँ था। यह हड्डी से
ठीक है, पहले हम लोग इसको लॉक के अंदर डाल देंगे, देख लेना वीडियो पूरा, और इसको आगे तक धकेल दिया। ठीक है, हमने हार्ड डिस्क के भी स्क्रू निकाले थे, स्क्रू ये सारे स्क्रू लग गए हार्ड डिस्क के, इसको फ्लैप को लगा देते हैं। ठीक है, और इसका स्क्रू भी यहीं था, ठीक है ये लगा दिए, बैटरी लगा देते हैं, ये आपका कीबोर्ड रेडी। ठीक है दोस्तों, एकदम परफेक्ट है, और इस तरीके से ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए प्लीज़।